अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। तो जानते हैं आज की अहम खबर। आज की बड़ी और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अनवर इकबाल की जानब से बड़ी और अहम खबर सामने आई है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। आज की बड़ी और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार अनवर इकबाल की तबीयत नासाज हो गई है, जिसके बाद उन्हें कराची के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अदाकार अनवर इकबाल के अहले खाना का कहना है कि वो काफी अरसे से गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला थे, अब काफी बीमार है, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना ने अनवर इकबाल के मदाहों से अपील की है कि अदाकार के लिए दुआ की जाए ताकि वह जल्द से सेहत याब हो सके। पाकिस्तान के सीनियर अकबर इकबाल की तबीयत नासाज हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अदाकार अनवर इकबाल के अहले खाना का कहना है कि वो गुर्दे की बीमारी के आर्जे में मुब्तला थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इसलिए अहले खाना ने अपील की है कि उनके मदाहों से कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से सेहत याब करे। आज की बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर की है। अनवर इकबाल तबीयत नासाज है, तमाम लोगों से दरख्वास्त की है कि वो उनके लिए सेहत याबी की दुआ करे ताकि वह जल्द से सेहत याब हो सके। आज की बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर की है। हम भी उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत याब करे ताकि वो जल्द से सेहत याब होकर अपने घर वालों के साथ जा सके। आज की बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर की। जानने के लिए हर खबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप भी कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए। हमें भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।